अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान हुकूमत हजाज के लिए सऊदी टैक्सेस में मुकम्मल छूट के लिए कोशिशें कर रही है। वफाकी वजीर मजहबी अमूर सेनेटर मोहम्मद अल्लाह महमूद ने कहा है कि पाकिस्तानी हजाज के लिए सऊदी टैक्सेस में मुकम्मल नरमी के लिए कोशिश कर रहे हैं। इस साल हज मुकम्मल गुंजाइश पर होगा, कम कीमत में अच्छी सहूलत के असूल का चैलेंज पूरा करना होगा। इसी हवाले से मोहम्मद तल्ला महमूद ने सऊदी हुकाम से मुलाकातें भी की, जिसका मकसद आजमीन हज के लिए सहूलियात को बढ़ाना था। इसी हवाले से सऊदी हुकाम ने भी कहा है कि मुश्किल मुआशी हालात के बावजूद पाकिस्तानी अवाम का सऊदी अरब और हरमैन शरीफैन से दिली लगाव काबिले जिक्र है। वफाकी वजीर मजहबी अमूर ने पाकिस्तानी हजाज को मीना अरफात में सहूलियात देने वाली जनूबी एशिया तवाफ कंपनी का दौरा किया और साथ ही इसके सरबराह से मुलाकात भी की। इस मौके पर उन्होंने मीना अरफात में खेमों, खुराक और सफरी सहूलियात पर तफसीली बातचीत भी की। वफाकी वजीर मजहबी अमूर ने डी जी हज अब्दुल वहाब सोमरो और डायरेक्टर हज मक्का फहीम अफरीदी को मौके पर हदायत जारी की। पाकिस्तानी हुकूमत हज 2023 पर जाने वाले आजमीन के लिए सहूलियात की फराहमी के कोशिशें कर रही है। जिसी हवाले से उन्होंने सऊदी हुकाम से मुलाकातें भी की और साथ ही खेमों, खुराक और सफरी सहूलियात पर बातचीत भी की। हज की मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें।